सतना जिले के चिथरा गांव के कुसियरा हार में बाघ के हमले से एक बकरी चरवाहा घायल हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम द्वारा उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझगवा ले जाया गया, जिसका प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कुशियारा हार में राम प्रताप सिंह गोड़ बकरी चला रहा था, तभी अचानक बाघ आ धमका, जो बकरियों के शिकार के जुगाड़ में था, लेकिन बाघ की नज़र चरवाहे पर पड़ी और उसने चरवाहे पर ही हमला कर दिया और बाघ ने चरवाहे राम प्रताप की पीठ पर पंजा मार कर गिरा दिया और पेड़ पकड़ कर घसीटने लगा। तभी सामने लगे पेड़ का उसका सर टकरा गया, जिससे चरवाहा मौत के मुंह से छूट गया। चरवाहे ने ग्रामीणों को आवाज लगाई, तभी बाघ भाग निकला। सतना से पंकज कुशवाहा की रिपोर्ट। प्रताप सिंह सुबह सुबह बकरी चराने गया था, तो उधर शेर मिल गया, तो उसको मैं दो आवाज़ दिया तो उसने मेरे तरफ रगन मारा, मेरे को झपट करके मेरे को गिरा दिया। हैं, आप उस समय क्या कर रहे थे? मैं बकरी चरा रहा था, ये करीब 8:30 बजे मेरे मकान से। राम प्रताप सिंह नाम का है, कुशियारा निवासी है, और इसके द्वारा क्या है कि बकरियां लेकर वहां पर जंगल में गया हुआ था, तो बाघ वहां पर दबककर बैठा हुआ था, चाहे वो शिकार के फिराक में हो या किसी और या पानी पीने के मकसद से वहां पर आया होगा। तो इसने यहाँ से जो ये व्यक्ति है, व्यक्ति ने यहाँ से बहुत तेज़ से उसको आवाज़ लगाई, उसे ये लगा कि तेंदुआ है, तो तेंदुए आवाज़ सुन के जनरली भाग जाते हैं। उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे तेंदुआ तो भाग जाएगा, पर वो टाइगर था, 2-3 बार आवाज़ लगाने की वजह से उसने उसको एक बार चार्ज किया और वो चार्ज करके वापस चला गया। क्योंकि जंगल के अंदर जितने भी हैं, तो हम लोग तो टाइगर प्रोटेक्शन के लिए पूरे लगे हुए, जंगल से बाहर जनरली टाइगर्स नहीं आते हैं, बशर्ते ये कि जहाँ पर टाइगर का मेन रहे वहाँ से, वहाँ पर लोग हिदायत दी जाती है कि आप वहाँ पर ना प्रवेश करें, वहाँ पर ना जाएं। परंतु कई लोगों के द्वारा इस तरीके से घटनाएं मतलब की जाती है कि लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ उनका निवास है उसी जगह पर जाते हैं, तो कई बार ऐसी घटनाएं होने की शंका बनी रहती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।